नमस्कार प्यारे बच्चों, अब आप इस विषय के वीडियोस एक साथ भी देख सकते हैं। इसके लिए वीडियो के नीचे मेरी चैनल का नाम है, तो चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इस विषय के वीडियोस एक साथ देख सकेंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था हिंदी कक्षानों का पाठ नंबर 9 निर्भय बनो का स्वाध्याय। स्वाध्याय के दो प्रश्न किए थे, आज के वीडियो में हम तीसरा प्रश्न करेंगे। तो तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और साथियों को क्यों पहचानते थे? तो जवाब होगा, प्रियोदा और उसके साथी हर रविवार की सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया मांग कर लाते थे। स्कूल के किसी छात्र या शिक्षक के बीमार पड़ने पर वे उसके अच्छे होने तक उसकी सेवा करते थे। उनके इसी सेवा भाव के कारण कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और उनके साथियों को जानते थे। दूसरा प्रश्न है, प्रियोदा की टोली शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद क्या करती है? तो जवाब होगा, प्रियोदा की टोली शनिवार को स्कूल के से छूटने के बाद परमान नदी के उस पार बालूचर पर एकत्रित होती है। तीसरा प्रश्न है, मनमोहन को तैरना सिखाने के बारे में सूर्य नारायण ने क्या कहा? तो जवाब होगा, मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी सूर्य नारायण को सौंपी गई थी। इस बारे में उसने कहा कि एक दिन उसे उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। चौथा प्रश्न है, पुल के पास गाड़ीवान क्या कर रहा था? तो जवाब होगा, प्रियोदा के दल के सभी सदस्य घर लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर एक लोक गीत गा रहा था। पांचवा प्रश्न है, मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा ने क्या किया? तो जवाब होगा, मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा उसे उस रास्ते से ले गए जो बिल्कुल सुनसान और डरावना था। उन्होंने मनमोहन को वह उजड़ा मकान दिखाया जहां पहले मुर्दों की चीर फाड़ होती थी। लोग मानते थे कि वहां आसपास के पेड़ों पर अब भी भूत पिशाच रहते हैं और प्रेतनिया झुंड बनाकर नाचती है। छठा प्रश्न है, भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से क्या कहा? तो जवाब होगा, भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से कहा कि 10 काम करने वाला तो खुद भूत होता है, जो खुद भूत है उसे दूसरे भूत से क्या डर। सातवां प्रश्न है, प्रियोदा की टोली का रविवार को क्या कार्यक्रम होता? जवाब होगा, रविवार को प्रियोदा की टोली पहले से निर्धारित मोहल्ले में मुठिया वसूलने जाती थी। इसी तरह टोली के कुछ लोग बीमार व्यक्ति की सेवा करने जाते थे। प्रश्न नंबर 4 है, सविस्तर समझाइए। तो पहला है, सूरज पश्चिम की ओर झुक गया। तो जवाब होगा, प्रियोदा और उसके साथी बहुत देर तक बातें करते रहे। धीरे धीरे शाम होने को आई। सूर्य पश्चिम दिशा में डूबने की तैयारी करने लगा। दूसरा प्रश्न है, 10 और देश का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है? तो जवाब होगा, 10 का और देश का काम करने वाले को समय असमय
यहाँ वहाँ जाना पड़ता है, कहीं पर भी और किसी भी रास्ते से जाने में वह नहीं डरता। इस तरह वह खुद भी भूत बन जाता है। तुमको भी दस और देश का काम करने के लिए इसी तरह भूत बनना है, इसीलिए तुम्हें निर्भय बनना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। तो जवाब होगा, राम और रहीम दोनों एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है। दोनों को अलग अलग समझना भूल है। मन की पवित्रता जरूरी है। मन पवित्र हो तो राम और रहीम का भेद अपने आप मिट जाता है। आगे का प्रश्न है, सही जोड़े मिलाइए। तो पहला है मनमोहन, तो उसके सामने होगा हेजे से डरने वाला। दूसरा है प्रियव्रत राय यानी प्रियोदा, तो होगा मैट्रिक का विद्यार्थी। तीसरा है सूर्य नारायण, तो होगा पहलवान। चौथा है डिप्टी का अर्दली, तो होगा खचड़ा। फिर है परमान, तो एक नदी। आगे है शब्द समूहों के लिए एक एक शब्द लिखिए। तो पहला है दूसरों के लिए, दूसरों के किए हुए उपकार को मानने वाला, तो कृतज्ञ। दूसरा है दूसरों के किए गए उपकार को न मानने वाला, तो कृतज्ञ। तीसरा है मुर्दों के चीरफाड़ की जगह, तो पोस्टमार्टम हाउस। चौथा है जहां बीमारों को भर्ती करके इलाज होता है, तो अस्पताल। आगे का प्रश्न है, सूचना अनुसार उत्तर दीजिए। तो पहले है विरोधी शब्द लिखने हैं, तो गरीब तो उसका विरोधी अमीर, प्यार तो उसका विरोधी नफरत, स्वस्थ का विरोधी अस्वस्थ, गलत का विरोधी सही, और उजड़ा का विरोधी हरा भरा होगा। फिर है दो दो समानार्थी शब्द लिखिए। तो सुबह का समानार्थी प्रभात और प्रातः होगा, शाम का समानार्थी सांझ और संध्या होगा, दल का समानार्थी झुंड और समूह होगा, कमजोर का समानार्थी दुर्बल या और निर्बल होगा, और मकान का समानार्थी झोपड़ी या घर होगा, या यहाँ पर आप लिख सकते हैं गृह, गृह है वो सही लगेगा, ये झोपड़ी निकाल दीजिए। तो मकान का समानार्थी गृह और घर होगा। तो बच्चों यहाँ पर स्वाध्याय खत्म होता है। अगले वीडियो में हम अगला पाठ सीखेंगे।